बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 में आपको करवा रही हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपसे क्या कह रहे हैं, आपने इक्वेशन मालूम करनी है फैमिली ऑफ लाइंस की, और आपको दो इक्वेशन जो है वो गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो है वो आपके पास पास आउट होने वाली लाइन जो फैमिली ऑफ लाइंस है उसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है, और आपने साथ साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारे पास जो गिवन है वो है इक्वेशंस, दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। वन बाय वन हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे कि लेट एल वन इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और L2 है वो है x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। हम इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, हम जानते हैं किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है आपके पास सिंपल ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन प्लस के ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो के। अब यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है इक्वेजन L1 और ये मौजूद है L2, यहाँ आ जाएगी L1 और यहाँ आ जाएगी L2। अगर हम इसे सिंपली लिखें तो ये इस तरह से होता है कि L1 प्लस के L2 बराबर है ज़ीरो के, L1 कंप्लीट प्लस के फिर L2 फिर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है पूरी फर्स्ट इक्वेजन 2x प्लस 3y माइनस 8 प्लस के, और यहाँ पर है x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ द इक्वेजन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, ये आपके पास आ गई इक्वेजन। नाउ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम कह रहे हैं कि लेट एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास एक्स वाई क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब हम देखें यार, टू एक्स है यहाँ भी, टू एक्स अगर हम कर दें तो टू एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें इक्वेजन को। अगर हम क्या करें कि ये थ्री वाई है, ये माइनस का वाई है, हम इस इक्वेजन को थ्री से मल्टीप्लाई करवा के दोनों को ऐड करवा दें तो हमारे पास तब भी सिंपली आंसर एक्स और वाई का आ जाएगा। हम इनको फिर जो है वो सॉल्व कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मैथड। हम कह रहे हैं नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेजन, मल्टीप्लाई इक्वेजन टू बाय थ्री एंड ऐड इन इक्वेजन वन। टू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री से, तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, और इक्वेजन वन है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐड करने में दोनों की साइन जो है वो चेंज नहीं करनी होती, बस जो साइंस होती हैं वही रहती हैं। ये प्लस का वाई थ्री वाई, ये माइनस का थ्री वाई कैंसिल, थ्री और टू हो गए फाइव एक्स, एट में से थ्री माइनस किया माइनस का फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स ये माइनस का फाइव उस तरफ जाके प्लस का फाइव, फाइव यहाँ मल्टीप्लाई भी कर रहा है साथ साथ, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे फाइव अपॉन फाइव, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से वन। अब इस एक्स की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पुट एक्स इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेजन वन। इक्वेजन वन है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो, टू एज इट इज़ आ गया, एक्स जगह वन आ गया, प्लस का थ्री वाई माइनस का एट इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस का एट उस साइड जाके प्लस का एट कर लें या फिर यहीं सॉल्व कर लें। टू वन ज़ा टू, टू माइनस एट किया माइनस का सिक्स, सिक्स उधर जाके प्लस का सिक्स हो गया, थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है साइड जाके डिवाइड करेगा, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो वाई आ गया यहाँ से टू।
नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x comma y equals to 1 comma 2. This is the answer of this question. I hope आपको question समझ में आया होगा. ये था exercise 7.5 का question number 8. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. अल्लाह हाफिज़.